एम मुनीर भाई ने कमेंट किया हुआ था, तो इंशाल्लाह जिन दोस्तों के कमेंट होंगे मुझे कुछ एडवाइस देना चाहेंगे नेक्स्ट अपने व्लॉग्स में, मैं उनके कमेंट्स शामिल करता रहूँगा। अच्छा जी, ये बोतल को बड़े डिज़ाइन नाल बदे हुए ढासी तक है ना होना ना, मेहरबानी। कहाँ जा रहा हूँ ये तो फिर पहुँच के ही बताता हूँ। स्कूल में छुट्टी मिल गई है। हाँ। अच्छा ये क्या है? तू दास उठा गए विशाख तो पर लाई गए सीरियस। बाकी हाल करे जी, सारी बोतल इम्तियाज़ भाई पी गए, अफसोस क्योंकि गिलास नहीं था, मुझे क्या पता था। रहीमन ज़रा सा उड़े जुल दूँ, हाँ सो खाना खाओ, रोटी खाओ से क्या ना खा लग। अच्छा चलो मैं जरा कल हूं थी रोटी खावने लोड मारना हुन सही करो ला जेरी खावणी खा गन ए भरी ना पे मैं देसा नहीं खावणी तो वाला पी सकती। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू, आई होप सब ठीक होंगे आपकी दुआओं के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक A1 मजे में हूं जी। एम मुनीर भाई ने कमेंट किया हुआ था, तो इंशाल्लाह जिन दोस्तों के कमेंट होंगे मुझे कुछ एडवाइस देना चाहेंगे नेक्स्ट अपने व्लॉग्स में, मैं उनके कमेंट्स शामिल करता रहूँगा। एम मुनीर भाई कहते हैं अरसलान भाई आपके व्लॉग बहुत बहुत कमाल के होते हैं, तो प्लीज़ डेली व्लॉग बनाया करें, सराइकी में बात किया करें, हमें सराइकी समझ आती है, सराइकी और पंजाबी ज़ुबान मिलती जुलती है। तो आज मैंने एम मुनीर भाई का कमेंट आपके साथ शेयर किया, तो इंशाल्लाह आप दोस्तों के भी कमेंट्स जो मुझे एडवाइस आप देंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाता रहूँगा। और आज की जो मेरी रूटीन है, अभी टाइम हो रहा जी 12:18, तो अभी मैं इम्तियाज़ भाई के पास आया था, आप इम्तियाज़ भाई से आई थिंक जान पहचान तो आपकी भी होगी, तो हमने कैमल लिया है, अभी तक मैंने देखा नहीं है, अभी तक वो ले कर उसे पहुँचे होंगे घर पर, तो हमारा घास जो है इस दफ़ा ख़त्म हो गया है। तो इम्तियाज़ भाई को मैंने फ़ोन किया है कि यार हमें आज थोड़ा उधारा घास दे दो, उन्होंने बोला उधारा नहीं आप ले जाओ, तो बाइक पे आया था मैं अभी, यहाँ से घास काटते हैं उसके बाद फिर कहाँ जाना है वो फिर मिलते हैं। निकल टुकर छिकी भाई ना। अच्छा चलो मैं तुम्हारे लिए पानी ले के आता हूँ बोर से, ठीक है। ये सीन होता है जी, खाना भी खेतों में ही खाते हैं, ये तो खाना खा रहे हैं, मुझे तो गुंजाइश नहीं है, और गंदम को ये पानी लगा रहे हैं, इंशाल्लाह भी 1.5-2 महीने में ये पक जाएगी। सही बता रहा है। जी तो फ्रेंड्स मैं इधर पहुंच गया हूं अभी, लेकिन इम्तियाज़ भाई कह रहे हैं कि आप अपना काटोगे मैं अपना, लेकिन मज़ा तो नहीं आया फिर, मेरे को कप दे यार, रात्रि तो है के क्या इम्तियाज़ भाई ने कहा है मैं तुम्हें काट के देता हूँ चलो, वरना लेट हो जाएगी, क्योंकि मैं तो बहुत कम काम करता हूँ तो इसलिए मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, घास काटने में जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो उतनी तेज़ बंदा काट सकता है।
वैसे एक हाथ से बाइक चलाना भी बहुत मुश्किल है। वैसे एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। जी तो फ्रेंड्स मैं पहुंच गया हूँ, आ गई स्कूल। तो ये ऊँट है जी, अभी इसको मैं घास खिलाता हूँ। अच्छा जी, मैं तो मसरूफ़ हो गया हूँ ऊँट को घास खिलाने में, तो काफ़ी टाइम मुझे लगेगा क्योंकि ये सारा घास इसको मैंने अपने हाथों से खिलाना है। और शाम को इंशाल्लाह मज़द सर से मुलाकात होती है, फिर वहाँ पे गपशप होगी। तो मिलते हैं फिर शाम को।